दिया आपको मैंने, केदारनाथ पूरा दिखा दिया। फाइनली मैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके आ गया हूँ। यहाँ पे एक पुलिस वाला, उसने बहुत दारू भी रखी है। बम बम हरे हरे हर महादेव, सोपान शुरू हो गए। हर हर शंभो, हर हर शंभो, जय भोले शंकर। एक ये है खत्म हो कि नहीं, ये है खत्म, ये भी खत्म है। इसके पैरों में वो रखे छाले, कैसे छाले हो गए तेरे पैरों में? वो मैंने इसको एक्सप्लेन किया, मैंने इसको, मैंने दीवी ने एक्सप्लेन किया इसको कि क्यों है। क्या कहा? इसने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। फिलहाल हमारे भी थोड़ी देर में दर्शन होने वाले हैं। हम लोग भी, दोस्तों का भी, कुछ लोग लाइन में लगे। अभी ये लोग तो यहाँ पे बैठे हैं कि हालत बहुत ज्यादा खराब हुई थी। फाइनली हम लोग दर्शन के लिए अब जा रहे हैं, तो जल्दी से चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। अंदर भी तो शायद वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मना होता है और ऑब्वियसली मना होगा यहाँ पे, तो दर्शन की वीडियो नहीं बना पाऊंगा। लेकिन ये आपको मैंने केदारनाथ पूरा दिखा दिया और कैसा लगा आपको जरूर बताना। अभी पीछे वहाँ भी दर्शन के लिए जाना, उसके बाद भैरव देवता मंदिर भी जाना है, तो बहुत मज़ा आएगा। पहले चलते अंदर दर्शन करके आ गए। अभी ना फाइनली मैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके आ गया और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। ऐसा मतलब जो ये एहसास होता है ना, ये बहुत मुश्किल से मैं बहुत वक्त से कर रहा था, कोशिश की मुझे मिले। मैं फिर से आऊँगा, जितनी बार उसकी उतनी बार आऊँगा। लेकिन यहाँ पे ना अभी बारिश शुरू हो गई है एंड की जो लाइन है ना, यहाँ पे एक पुलिस वाला, उसने बहुत दारू भी रखी है, वो धक्का दे रहा है लड़कियों को, धक्का दे रहा है एंड बहुत गलत तरीके से कर रहा है। बताता हूँ ये है जो इसने इसने मुंह ढक रखा है, तो बहुत धक्का दे रहा है लड़कियों को, सबको पुलिस से भी लड़ जा रहा है। जो को ऐसे धक्का दे रहा है। तो दोस्तों ये देखो, हमने जल ले लिया जो राज्याभिषेक होता है ना शिवलिंग का, उसके बाद ये जल मिलता है, तो ये हम लोगों ने ले लिया है। और अब यहाँ पे धूप जलाते हैं जल्दी से। तो केदारनाथ जी के तो हमने दर्शन कर लिया, आदि शंकराचार्य का जो अंदर मंदिर है उसके दर्शन करने, जिसका निर्माण पिछले साल हुआ है। ओके, और क्या है? ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग से एक है और पंच केदार में से भी। तो 12 ज्योतिर्लिंग से एक है, पंच केदार में से भी एक है। तो गाइस अब चलते हैं ऊपर, वहाँ पे दर्शन करके आते हैं और शंकराचार्य जी के वहाँ पे भी दर्शन करके आते हैं। दोस्तों पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो गाइज अब हम जा रहे हैं जहाँ समाधि ली थी ना आदि शंकराचार्य, वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे दर्शन करके आते हैं और उसके बाद भैरव देवता के मंदिर जाना। लेकिन बारिश बहुत होगी,
अब पता नहीं कैसे रहेगा, देखते हैं अभी। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए आदि शंकराचार्य जी की समाधि पे। बम बम हरे हरे हर महादेव चक्कर वीर बजरंगी हर हर महादेव। तो गाइस सारे दर्शन होने के बाद आप परिक्रमा करना ना भूलें, परिक्रमा भी उतनी ही जरूरी है। तो अभी हम लोग सब परिक्रमा कर रहे हैं। क्या दीदी कहाँ गया? एक फोटो दरबार की एक ये मैडम इनने मेरे को फोटो 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 करके फोटोग्राफर बना दिया है बे। तो गाइस फाइनली स्लो भी होने लग गई भोलेनाथ के द्वार पे, और स्लो हो गई और कितना मजा आ रहा है। स्नोफॉल शुरू हो गई गाइस, स्नोफॉल शुरू हो गई है। बाबा केदार की जय। अरे भाई भाई मजा आ गया, जय भोलेनाथ भाई, कितनी सही हो रही है यार। तो सचमुच में गिर गई यार, एकदम गिर गई, इतनी नहीं गिर रही थी। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए और अभी हम लोग समोसे खा रहे हैं, उसके बाद खाना खाएंगे और फिर उसके बाद भैरवनाथ गए तो देखेंगे। और शायद आज यहीं रुक सकते हैं कि बहुत लेट हो गया और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई बर्फ की वजह से, देखते क्या होता है। बाकी ये जय बद्री विशाल, जय भोले, जय भोले, जय भोले। अरे बाप रे खतरनाक है, क्या है गाइस। उन्होंने केदारनाथ से लड़ रहे हैं एक दूसरे से फोन के चक्कर से, क्योंकि ये लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से, ये वीडियो बनाने लग जा रही है, लेट हो जा रहा हम लोगों को भैया। सो गाइस फाइनली हम भैरवनाथ मंदिर जा रहे हैं, जो यहाँ से पड़ेगा वो सामने जाके उधर पे, यहाँ पे देखो ये सब लगे हुए और सामने उधर केदारनाथ मंदिर है। अब यहाँ से चलते हैं पुल क्रॉस करके ऊपर भैरवनाथ मंदिर, और फिर आपको वहाँ पे भी दर्शन कराते हैं, और दर्शन के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से, हम नीचे को निकल जाएंगे। इस समय बज रहा है 5:17 शाम के, तो लेट्स सी कैसा होता है, कब तक जाते हैं और क्या करते हैं हम लोग। फाइनली मैं भैरवनाथ मंदिर पहुंचने वाला हूं, थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं, अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार। सो गाइस फाइनली भैरवनाथ मंदिर पहुंच गए और ये देखिए सामने है, बस अब चलते हैं दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं, वहाँ आरती भी होने वाली है शायद। फाइनली हम लोग पहुंच गए भैरवनाथ मंदिर, बस यहाँ आरती दर्शन करते हैं उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर। Oh, my God.
शिवा ओंकार विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ ओम जय शिव ओंकार तमेव तमेव स्मेव तमेव जातं तमेव तमेव त्वं तं देव देव सुबह फाइनली अभी आरती होने वाली है 6:30 बजे तो हम आरती के लिए पहुंचे, तो आपको आरती दिखा दे उसके बाद हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं।